अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे स्कूलों में मैट्रिक की सतह पर जो मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, रियाजी या मैथमेटिक्स इनमें से एक अहम मज़मून है। नवीं और दसवीं जमात के तलबा तालिबात को रियाजी के समझने में जो मुश्किलात पेश आती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वज़ारत तालीम हुकूमत पाकिस्तान ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तआवुन से टीवी प्रोग्रामों का एक सिलसिला शुरू किया है। ये इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम है। हमारा आज का प्रोग्राम सेट से मुतालिक है। इसमें हम आपको सेट के बुनियादी तसव्वुरात, उनकी खसूसियात और चंद अक्साम के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, सेट एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे आप अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। मसलन, टी सेट, वाटर सेट, डिनर सेट और सोफ़ा सेट। मिसाल के तौर पर ये एक टी सेट है। इसमें चाय में इस्तेमाल होने वाले मखसूस किस्म के बर्तन इकट्ठे रखे हुए हैं। इसी किस्म के मखसूस अशिया के मजमूए को सेट कहते हैं। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लफ्ज़ सेट एक जैसी खसूसियात रखने वाली मुख्तलिफ अशिया के मजमूए को ज़ाहिर करता है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, आपको सेट की बेतहाशा मिसालें नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर अपनी क्लास ही को लीजिए। आपके हम जमात मिलकर एक सेट बनाते हैं। आपके बस्ते में भी किताबों का एक सेट होता है। इसी तरह आपके ज्योमेट्री बॉक्स का सामान भी एक सेट बनाता है। ये तो था रोज़मर्रा ज़िंदगी में लफ्ज़ सेट का मफहूम और इस्तेमाल। आइए देखते हैं कि रियाजी में ये लफ्ज़ सेट किन मानों में इस्तेमाल होता है। रियाजी में लफ्ज़ सेट ऐसे मखसूस अशिया के इज्तमा को कहते हैं जो कि वाज़ह तौर पर बयान की गई हों और मुतफर्रिक हों। किसी सेट के वाज़ह तौर पर बयान होने की मिसाल हम कुछ यूँ ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें, अगर आपको ये कहा जाए कि अपनी जमात के सिर्फ लंबे लड़कों का सेट बनाएं, तो फिर ये वाज़ह तौर पर बयान ना हुआ। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अपनी क्लास के उन लड़कों का सेट बनाएं जिनका कद मसलन 5 फीट हो, तो इस सूरत में ये वाज़ह तौर पर बयान किया गया होगा। इसी तरह मुतफर्रिक अशिया से मुराद वो अशिया हैं जो कि दोहराई ना गई हों। इसके लिए हम इस टी सेट की मिसाल लेते हैं। इसमें से अगर हम एक प्याली, एक फ्रिज, दूधदान, चीनीदान और केटल ले लें, तो इस सूरत में ये मुतफर्रिक अशिया हुई, यानी हर चीज़ तादाद में एक हो। आइए इसकी एक और वाज़ह मिसाल पर गौर करें। इस बास्केट में कुछ फल रखे हुए हैं जिनमें आम, आड़ू, आलूबुखारा और अनार शामिल हैं। गौर करने पर पता चलेगा कि ये तमाम के तमाम एक जैसी खसूसियत रखते हैं, यानी ये सारे गर्मियों के फल हैं और लफ्ज़ अलिफ़ पे शुरू होते हैं। इस तरह ये वाज़ह तौर पर बयान किए हुए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये तमाम मुतफर्रिक हैं, यानी इनमें से कोई से भी दो फल एक जैसे नहीं। इस तरह ये रियाजी का एक सेट हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सेट को किस तरह बयान किया जाए। आइए इसके बारे में देखते हैं। ये लफ्ज़ अलिफ से शुरू होने वाले गर्मियों के फलों का एक सेट है। इस तरीके से सेट लिखने के अमल को डिस्क्रिप्टिव मेथड यानी तरीक़े बयानिया कहते हैं। यही सेट एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ हमने इन फलों के नाम लिख दिए हैं जिन्हें सेट की ज़बान में एलिमेंट्स यानी अरकान कहा जाता है। इस सेट के अरकान ये फल हैं, लिहाजा हमने इनके नाम यहाँ लिख दिए हैं। नाज़रीन, ये तो आप जानते होंगे कि दुनिया में कोई भी चीज़ नाम के बग़ैर नहीं होती, लिहाजा इस सेट का भी कोई नाम होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि हमने इसका नाम ए रख दिया। इस तरह के ए सेट है आम, अनार, आलू बुखारा और आड़ू का। इस तरीके से सेट लिखने के अमल को टेबुलर मेथड यानी तरीक़ा इंदराज कहते हैं। इस तरीके में सेट को किसी नाम से ज़ाहिर किया जाता है। आम तौर पे ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स यानी बड़े हरूफ की मदद से लिखे जाते हैं, मसलन ए, बी, सी, डी वगैरह। इस तरीके में एक और चीज़ भी इस्तेमाल की गई है जिन्हें ब्रेसेस कहते हैं। यहाँ आप देखिए कि सेट के अरकान इन ब्रेसेस के दरमियान में लिखे गए हैं। इन ब्रेसेस को इस्तेमाल करने का वही मफहूम है जो कि बास्केट का इन फलों को रखने में। इस बास्केट के अंदर रखने से ये फल इकट्ठे हैं। बिल्कुल यही बास्केट वाला किरदार ये ब्रेसेस यहाँ अदा कर रहे हैं,
यानी ये जाहिर कर रहे हैं कि सेट के अरकान इकट्ठे हैं। ये बात याद रखिए कि इन ब्रेसेस के बगैर सेट के अरकान नहीं लिखे जाते। आप रियाजी की किताब में जहाँ कहीं भी ये ब्रेसेस देखें, फौरन समझ जाइए कि आपका वास्ता सेट से पढ़ रहा है। सेट के अरकान आम तौर पे इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स यानी छोटे हरूफ से लिखे जाते हैं, मसलन ए बी सी टी वगैरह, क्योंकि इस तरह करने से कैलकुलेशंस में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर हमने आपको फलों की बास्केट की जो मिसाल दी थी, इसमें अगर हम आम को ए, आड़ू को बी, आलू बुखारे को सी और अनार को डी कहें, तो इस सूरत में हमारा सेट ए कुछ इस तरह का होगा, यानी सेट ए है ए बी सी डी का। ये बात याद रखिए कि सेट में इसके अरकान की तरतीब ज़रूरी नहीं होती। मसलन इसी सेट को हम कुछ यूं भी लिख सकते हैं, यानी सेट ए है बी सी डी ए का। सेट लिखते वक्त इस बात का ख्याल करना पड़ता है कि इसके अरकान को खसूसियत के लिहाज से यकसां होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कौमी क्रिकेट टीम में सिर्फ क्रिकेट के ही खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, हॉकी के नहीं। नाज़रीन, सेट्स को जाहिर करने का एक और तरीका भी है, जिसे सेट बिल्डर नोटेशन यानी तरकीम सेट साज कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जिस तरह किसी लंबी कहानी को मुख्तसर एक खुलासे की मदद से मुख्तसर करके पेश किया जाता है, इसी तरह एक मखसूस तरीके से सेट को भी मुख्तसरन लिखा जा सकता है। हर सेट के अरकान की कोई ना कोई मुश्तरक खूबी होती है। आम तौर पर हम इस खूबी को एक्स का नाम देते हैं। मसलन हमने आपको जो फलों की बास्केट की मिसाल दी थी, इसमें लफ्ज़ अलिफ से शुरू होने वाले गर्मियों के फल होना इस सेट की मुश्तरक खूबी थी। अगर हम ये कहें कि एक्स लफ्ज़ अलिफ से शुरू होने वाला गर्मियों का फल है, तो इस सूरत में एक्स इस बास्केट में मौजूद तमाम फलों को जाहिर करेगा, यानी एक्स आम भी है, आलू बुखारा भी, आड़ू और अनार भी। अब हम जो सेट लिखेंगे वो इसी एक्स को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे, यानी हमारा सेट कुछ इस तरह का होगा। ए सेट है तमाम एक्स का, जबकि एक्स लफ्ज़ अलिफ से शुरू होने वाला गर्मियों का फल है। यहाँ इस उमूदी खत्ते से मुराद है सच दैट, यानी जबकि या इस तरह के। सेट को लिखने के इस तरीके में सिर्फ अरकान की मुश्तरक खूबी ही लिखनी पड़ती है, उनके नाम नहीं। सेट लिखने का ये तरीका तकीम सेट साज कहलाता है। नाज़रीन, अभी हमने आपको सेट को जाहिर करने के तीन बुनियादी तरीके बताए, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड यानी तरीक़ बयानिया, टेबुलर मेथड यानी तरीक़ इंदराज और सेट बिल्डर नोटेशन यानी तरकीम सेट साज। अब हम आपको सेट की चंद इकसाम के बारे में बताते हैं। सेट की दो इकसाम फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट्स यानी मतनाही और गैर मतनाही सेट हैं। अगर किसी सेट के अरकान की तादाद महदूद हो, यानी इसके गिनने का अमल ख़त्म हो जाए, तो इस सूरत में उसे फाइनाइट सेट यानी मतनाही सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर इन पांच अरकान का सेट ए एक मतनाही सेट बनाता है। आम जिंदगी में हम इसकी मिसाल इन फूलों से ही ले सकते हैं, चूँकि इनकी तादाद महदूद है इसलिए ये एक मतनाही सेट है। इसी तरह वो सेट जिनके गिनने का अमल कभी ना ख़त्म होता हो, यानी जिनकी तादाद लामहदूद हो, इन्फिनिट सेट्स यानी गैर मतनाही सेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर कुदरती अदाद का सेट एन, ताक अदाद का सेट ओ, जुफ्त अदाद का सेट ई, ये तमाम के तमाम गैर मतनाही सेट हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ज़मीन से आसमान का फासला गैर मतनाही है। नाज़रीन, सेट की दो और अकसाम हैं सबसेट्स एंड सुपरसेट्स, यानी तहती और फौकी सेट। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसेट्स और सुपरसेट्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं, अगर ए और बी कोई से दो सेट्स हैं इस तरह से कि सेट ए का हर रुकन एक्स सेट बी का भी रुकन हो, तो इस सूरत में सेट ए सेट बी का सबसेट या तहती सेट कहलाता है और सेट बी सेट ए का
फॉकी सेट या सुपर सेट। सबसेट के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है, जबकि फॉकी सेट के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। इस अलामत से मुराद है इस अ मेंबर ऑफ या का रुकन है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये सेट ओ लें जो कि तमाम पॉजिटिव ऑड नंबर्स यानी मस्बत ताक आदाद पर मुश्तमिल हो और ये सेट एन लें तमाम नेचुरल नंबर्स यानी कुदरती आदाद का सेट, तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि चूंकि सेट ओ का हर रुकन सेट एन का भी रुकन है, तो इस सूरत में सेट ओ सेट एन का सबसेट हुआ और सेट एन सेट ओ का सुपर सेट या फॉकी सेट। इसी तरह प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स को हम यू डिफाइन करते हैं। फर्ज कीजिए कि ए और बी कोई से दो सेट्स हैं, इस तरह से कि सेट ए सेट बी का सबसेट भी है और सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है, तो इस सूरत में सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट या वाजिब तहती सेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ए ये सेट लें जो कि इन दो आदाद पर मुश्तमिल है और बी ये सेट हो 1, 2, 3 का, इस सूरत में चूंकि सेट ए का हर रुकन बी का रुकन है और सेट ए बी के बराबर भी नहीं है, तो फिर सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट यानी वाजिब तहती सेट हुआ। अब चूंकि हर सेट मसलन ए अपना ही सबसेट होता है और अपने बराबर भी होता है, तो इस तरह के सेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट या गैर वाजिब तहती सेट कहते हैं। सेट की एक और किस्म है एम्प्टी सेट यानी खाली सेट। आइए इसके बारे में एक मिसाल देखते हैं। 10 फीट के बच्चों का सेट बनाना चाहें तो क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसका कद 10 फीट हो? हमारी इस क्लास में ऐसा कोई लड़का नहीं है जिसका कद 10 फुट हो, और अगर यहाँ आलम चन्ना भी बैठा हो तो उसका कद भी 10 फुट नहीं है। जी रखें, तो ऐसा सेट जिसका कोई रुकन ना बन सके उस सेट को हम खाली सेट कहते हैं। इसी तरह की अगर हम एक और मिसाल लें कि ऐसे तलब इल्मों का सेट बनाना चाहें जिनकी उम्र 45 साल हो और हमारे स्कूल का वो तालिब इल्म हो, तो क्या ऐसा सेट मुमकिन है? तो ऐसा सेट मुमकिन नहीं होगा, तो ऐसे सेट को हम खाली सेट कहा करते हैं जिसका कोई रुकन ना बन सके। देखा आपने, क्लास में कोई भी लड़का 10 फीट का नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहा जाए कि अपनी क्लास के उन लड़कों का सेट बनाएं जिनका कद 10 फीट हो, तो फिर ये खाली सेट होगा। खाली सेट का तसव्वुर सेट में बहुत अहम है। इस सेट में कोई रुकन भी नहीं होता। इसको अलामत फाए या खाली ब्रेसिस से ज़ाहिर करते हैं। खाली सेट हर सेट का तहती सेट होता है और ये गैर वाजिब तहती सेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये सेट लें 1, 2, 3 का, इस सूरत में फाए इस सेट का भी सबसेट होगा। इसी तरह फाए इस सेट का सबसेट है जो कि सिर्फ एक रुकन 0 पर मुश्तमिल है। यहाँ आप ये बात नोट कर लें कि ये सेट एम्प्टी सेट नहीं है, इसी तरह ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि कोई से दो या ज़ायद सेट्स को किस तरह इकट्ठा किया जाता है। आप हिसाब के मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन से तो अच्छी तरह आगाह होंगे, मसलन जमा तफरीक ज़रब और तकसीम। जिस तरह कोई से दो आदाद को इकट्ठा करने के लिए जमा किया जाता है, उसी तरह कोई से दो सेट्स मसलन ए और बी को इकट्ठा करने के लिए उनका यूनियन लिया जाता है यानी ए यूनियन बी। यूनियन के लिए ये अलामत यू की इस्तेमाल होती है। मसलन अगर हम ए ये दो
एलिमेंट्स पे मुश्तमिल सेट लें, वन और टू, और बी ये सेट हो थ्री फोर और फाइव का। इस सूरत में ए यूनियन बी यानी इनका यूनियन ये सेट होगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव। इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि सेट ए इन चार अरकान का ये सेट है और सेट बी इन पांच अरकान पर मुश्तमिल ये सेट। यहाँ आप देखिए कि सेट ए और सेट बी में ये दो अरकान मुश्तरक हैं। इस सूरत में इन दोनों सेट का यूनियन यानी ए यूनियन बी इन सात अरकान पर मुश्तमिल ये सेट होगा। यहाँ आप देखिए कि सेट ए में तो चार अरकान हैं और बी में पांच, जबकि सेट ए यूनियन बी में नौ के बजाय सात अरकान हैं, क्योंकि इन दोनों सेटों के मुश्तरक अरकान को सिर्फ एक ही बार लिखा गया है। नाज़रीन, सेट का एक और अहम अमल इंटरसेक्शन यानी तकाते कहलाता है। आइए देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इस चौक का मुशाहिदा कीजिए, ये वो मुश्तरक मकाम है जहाँ सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस तरह ये चौक इन सड़कों का इंटरसेक्शन हुआ। सेट्स में भी इंटरसेक्शन का यही उसूल है, यानी इस अमल में कोई से दो या ज़ायद सेट्स के मुश्तरक अरकान को लिखा जाता है। इंटरसेक्शन के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन, अगर हम ए कोई सेट लें इन चार अरकान का और बी इन पांच अरकान पर मुश्तमिल सेट हो, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये दो अरकान दोनों सेट के मुश्तरक अरकान हैं। इस सूरत में इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी ये सेट होगा। नाज़रीन, अभी हमने आपको सेट की चंद खसूसियात और उनके अकसाम के बारे में बताया। अब हम आते हैं सेट ऑफ़ रियल नंबर्स यानी हकीकी आदाद के सेट की तरफ। ये सेट दो किस्म के सेट से मिलकर बनता है, जिन्हें रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स यानी नातिक और गैर नातिक आदाद कहते हैं। आइए पहले इन दो सेट्स यानी रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं। रैशनल नंबर्स को हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, ऐसे तमाम आदाद जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, जबकि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स यानी सही आदाद हैं और क्यू गैर सिफर है। इन तमाम आदाद का सेट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स या नातिक आदाद का सेट कहलाता है। इसे हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर 5/4, -1/2, 3/7 ये तमाम नातिक आदाद या रैशनल नंबर्स हैं। ये बात आप नोट कर लें कि हर सही अदद ए रैशनल नंबर या नातिक अदद है। इस तरह से सही आदाद का सेट जेड तमाम नातिक आदाद के सेट क्यू का सबसेट हुआ। मिसाल के तौर पर 0, -3, 5 ये तमाम सही आदाद हैं। इन्हें हम यूँ भी लिख सकते हैं 0/1, -3/1, 5/1 जो कि नातिक आदाद है। अमली ज़िंदगी में हम नातिक आदाद की मिसाल कुछ यूँ ले सकते हैं। और कीजिए, हमारी दुनिया में हर तरफ रैशनल नंबर्स हैं। दुनिया के तकरीबन 3/4 हिस्से पर पानी और 1/4 हिस्से पर खुश्की है। एक ख़त ने जिसे इक्वेटर या ख़त्ते इस्तवा कहते हैं, हमारी दुनिया को दो बराबर बराबर हिस्सों यानी 1/2, 1/2 पर तकसीम कर दिया है। ये सब नातिक आदाद ही तो हैं। ये तो थे नातिक आदाद। अब हम आपको इरेशनल नंबर्स यानी गैर नातिक आदाद के बारे में बताते हैं। गैर नातिक आदाद बड़े दिलचस्प अंदाज में दरियाफ्त हुए। मशहूर ज़माना यूनानी फ़िलासफ़र फीसागोरस और उनके साथी ये समझते थे कि दुनिया में सिर्फ नातिक आदाद ही हैं, इसके अलावा और किसी आदाद का वजूद ही नहीं। लेकिन बहुत जल्द उन्हें अपना ये ख्याल बदलना पड़ा। हुआ यूँ कि
जब उन्होंने पाइथागोरियन थ्योरम यानी मसलाई फीसागोरस को एक ऐसी कायमत जाविया मुसलस पर लागू किया जिसके अमूद और कायदे की लंबाई इकाई थी, तो वतर का जवाब दो का जजर आया। ये उन लोगों के लिए एक नया नंबर था जो कि नातिक नहीं था, इसलिए उसका नाम गैर नातिक अदद रखा। इसी किस्म का एक और अदद जो दरियाफ्त हुआ वो पाए था। गैर नातिक आदाद की ये खूबी है कि जब इन्हें आशारिया की शक्ल में लिखा जाता है तो आशारिया के बाद आने वाले तमाम के तमाम आदाद लामहदूद होते हैं, यानी इनका कोई इख्तिताम नहीं होता। गैर नातिक आदाद को हम क्यू प्राइम से जाहिर करते हैं। हकीकी आदाद का सेट दरअसल तमाम नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद का यूनियन होता है, इसे हम आर से जाहिर करते हैं। यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स है तमाम रैशनल और इरैशनल नंबर्स के यूनियन का सेट। हकीकी आदाद को आम तौर पर एक लाइन पर जाहिर किया जाता है जिसे रियल नंबर लाइन कहते हैं। रियल नंबर लाइन एक सीधी लकीर होती है। इस लाइन पर हम एक ऑरिजिन सिफर लेते हैं जिसके दाएं जानेब पॉजिटिव नंबर्स यानी मस्बत आदाद और बाएं जानेब नेगेटिव नंबर्स यानी मनफी आदाद लिए जाते हैं। रियल नंबर लाइन पर हम नातिक और गैर नातिक आदाद बड़ी आसानी से जाहिर कर सकते हैं। मसलन दो के जजर की कीमत 1.4 है, इसलिए वो यहाँ पर लाइक करेगा। इसी तरह 5/2 यानी 2.5 यहाँ लाइक करेगा। ऐसे ही पाए यहाँ पर लाइक करेगा और मनफी 1/2 यहाँ पर। रियल लाइन से हम कोई से दो आदाद के बड़ा या छोटा होने के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने ये जानना हो कि 2 के जजर और 5/2 में से कौन सा छोटा है, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि 2 का जजर 5/2 से छोटा है। इसी तरह मनफी 1/2 से 2 का जजर बड़ा है। नाजरीन, आज हमने आपको सेट्स के बुनियादी तसव्वुरात, उसकी चंद खसूसियात और अकसाम के बारे में बताया। हमने आपको सेट्स के 3 बुनियादी तरीक़े यानी तरीक़ा बयानिया, तरीक़ा इंदराज और तरकीम सेट साज के बारे में बताया। इसी तरह हमने आपको सेट्स की चंद अकसाम भी बताई, मसलन मतनाही और गैर मतनाही सेट, तहती और फौकी सेट, वाजिब और गैर वाजिब तहती सेट और हाली सेट। इसके अलावा हमने आपको 2 या ज़ायद सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन लेने के बारे में भी बताया। इस प्रोग्राम में हमने आपको हकीकी आदाद के बारे में भी बताया कि ये आदाद नातिक और गैर नातिक आदाद से मिलकर बनते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको सेट्स और हकीकी आदाद को समझने में मदद मिली होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम ग्राफ्स और फंक्शन से मुतालिक है। आज हम आपको जिन तसव्वुरात के बारे में बताएंगे उनमें ऑर्डर्ड पेयर्स यानी मुतरतिब जोड़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीसी हासिल ज़रब, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी मुहद्दी निज़ाम और फंक्शंस शामिल हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इन मुश्किल तसव्वुरात को मुख्तलिफ मिसालों से आसान और सादा अंदाज में पेश कर सकें। तो आइए पहले ऑर्डर्ड पेयर्स यानी मुतरतिब जोड़ों के बारे में जानते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स से मुराद कोई से दो आदात या अशिया का ऐसा जोड़ा है जिसमें इनकी तरतीब को मलहूज़ रखा जाता है। आइए इसके बारे में एक मिसाल देखते हैं। नमाज पढ़ने के वक्त हमेशा एक ख़ास तरतीब को मलहूज़ रखा जाता है। मसलन, हम हमेशा नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह नमाज के दौरान भी पहले नियत बांधते हैं, फिर क़याम करते हैं, उसके बाद रुकू में और फिर सजदे में जाते हैं। ये तमाम अमल एक ख़ास तरतीब से होते हैं। इस मिसाल की तरह अगर हम ये तो आदाद लें ए और बी, तो फिर इनका ऑर्डर्ड पेयर ये होगा जिसका पहला रुकन ए और दूसरा रुकन बी है। इस तरह के जोड़ों को ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं कि इनकी तरतीब बदली नहीं जा सकती, यानी ऑर्डर्ड पेयर ए बी गैर मसावी है बी ए के। और अगर ए बी और बी ए दोनों बराबर हों तो इस सूरत में ए भी बी के बराबर होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये सेट ए लेते हैं इन दो आदात पर मुश्तमिल, तो इस सूरत में ए के ऑर्डर्ड पेयर्स ये होंगे 1 1 1 2 2 1 और 2 2। नाज़रीन, ऑर्डर्ड पेयर्स को जानने के बाद अब हम आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीसी हासिल ज़रब के बारे में बताते हैं। कोई से दो गैर खाली सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट है जिसके तमाम अरकान ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले अनासर पहले सेट के अरकान होते हैं और दूसरे अनासर दूसरे सेट के। आइए पहले इस सिलसिले में एक मिसाल देखते हैं। देखा आपने, ज़फ़र और मेराज अपनी पसंद के गेम्स खेलने क्लब गए। उन्होंने टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेली। इसका आप एक सेट बना लें। फ़र्ज़ कीजिए ये सेट ए है टेबल टेनिस और बैडमिंटन का। आपने ये भी देखा कि हर खेल खेलने के बाद उनके पास दो चॉइसेस थी कि चाय पी जाए या जूस। हम इन चीज़ों का भी एक सेट बना लेते हैं, यानी सेट बी है चाय और जूस का। अब हम इन दोनों सेट्स के ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। पहले टेबल टेनिस खेलने के बाद इनके पास दो चॉइसेस थी कि चाय पी जाए या जूस, तो इस तरह हमें ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स मिले, यानी टेबल टेनिस चाय और टेबल टेनिस जूस। इसी तरह बैडमिंटन खेलने के बाद भी इनके पास यही दो चॉइसेस थी, तो फिर हमें ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स मिले बैडमिंटन चाय और बैडमिंटन जूस। इस तरह अब हमारे पास ये चार ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। आप देख सकते हैं कि इन जोड़ों के पहले अरकान खेलों के सेट ए और दूसरे अरकान
मशरूब के सेट बी से हैं। ये सेट दरअसल सेट ए और सेट बी का हासिल ज़रब है। इस तरह के सेट को कार्टीसी हासिल ज़रब या कार्टीशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कार्टीशियन प्रोडक्ट को हम यूँ डिफाइन करते हैं। फर्स्ट कीजिए कि ए और बी कोई से दो खैर खाली सेट्स हैं, तो फिर इनका कार्टीशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी से मुराद वो सेट है जिसके तमाम अरकान ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हों जबकि ए सेट ए का रुकन हो और बी सेट बी का। यहाँ हम इस बात की वजाहत कर दें कि ए क्रॉस बी में क्रॉस की अलामत तो ज़र्ब जैसी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सेट ए को सेट बी से ज़र्ब दे रहे हैं। ये बात याद रखिए कि अगर ए और बी दो गैर मसावी सेट हों तो इस सूरत में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी गैर मसावी होंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि हम ए और बी ये दो सेट्स लेते हैं, तो इस सूरत में ए क्रॉस बी ये सेट होगा और बी क्रॉस ए ये सेट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में गैर मसावी हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बी क्रॉस ए के किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के बराबर नहीं है। यहाँ हम आपको ये बात भी बताते चलें कि कार्टीसी हासिल ज़र्बों में सबसे ज़्यादा अहमियत आर क्रॉस आर की है, जहाँ आर हकीकी आदाद का सेट है। आर क्रॉस आर के अनासर हकीकी आदाद के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यानी उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई का सेट जबकि एक्स और वाई दोनों हकीकी आदाद के अरकान हों। नाज़रीन, कार्टीशियन प्रोडक्ट को जानने के बाद अब हम कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्टीसी मुहद्दी निज़ाम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी जगह या इलाके के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हम नक्शे का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये मालूम करना चाहें कि स्पेन कहाँ वाकिया है, तो फिर नक्शे की मदद से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह कार्टीशियन प्लेन की मदद से हम नुकात की पोजीशंस मालूम करते हैं। आइए इसके बारे में तफसील से जानते हैं। हम कार्टीशियन प्लेन में दो हुतूत एक्स एक्स प्राइम और वाई वाई प्राइम लेते हैं। एक्स एक्स प्राइम को एक्स एक्सिस या एक्स मेंबर और वाई वाई प्राइम को वाई एक्सिस या वाई मेंबर कहते हैं। जिस मकाम पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मुनक़ता करती हैं इसको ऑरिजिन कहते हैं और इसे ओ से ज़ाहिर करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टीशियन प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं जिनको रुबात या क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इन क्वाड्रेंट्स की मदद से हम ऑर्डर पेयर्स को बड़ी आसानी से ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर सकते हैं। मसलन अगर हम कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी लें तो इसे कार्टीजन प्लेन में हम किसी पॉइंट पी से ज़ाहिर कर सकते हैं। ए इस पॉइंट पी का एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट और बी इस पॉइंट पी का ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स मस्बत होते हैं, जबकि दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स मनफी और वाई मस्बत होता है। इसी तरह तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स
और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स मनफी होते हैं, जबकि चौथे क्वाड्रेंट में एक्स मस्बत और वाई मनफी होता है। नाज़रीन, किसी ऑर्डर्ड पेयर को कार्टेशियन प्लेन पर जाहिर करने के अमल को इसका प्लॉट करना कहते हैं। इस अमल के लिए हम अमूमन ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते हैं ताकि मुख्तलिफ फासले मालूम करने में आसानी रहे। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई सा ऑर्डर्ड पेयर 4-3 लें जो कि आर क्रॉस आर का रुकन है। अब हम इसको इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। हम ओरिजिन से शुरू करके इसके दाएं तरफ एक्स एक्सिस के साथ 4 इकाइयों का फासला लेते हैं, फिर वाई एक्सिस के मतवाजी और एक्स एक्सिस के ऊपर 3 इकाइयों का फासला। इस तरह हमें ये पॉइंट पी मिलता है जो कि इस ऑर्डर्ड पेयर 4-3 को जाहिर कर रहा है। इसी तरह अगर हम कोई और ऑर्डर्ड पेयर फर्ज करें -2, -3 को प्लॉट करना चाहें तो फिर हम ओरिजिन के बाएं तरफ एक्स एक्सिस के साथ 2 इकाइयों का फासला लेंगे और वाई एक्सिस के मतवाजी एक्स एक्सिस के नीचे -3 का फासला। इस तरह हमें ये पॉइंट क्यू मिलता है जो कि -2, -3 को जाहिर करता है। नाज़रीन, अभी हमने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया। आइए अब हम आपको बाइनरी रिलेशन यानी सनाई रब के मुतालिक बताते हैं। सनाई रब से मुराद वो सेट है जिसके अरकान बाहम मरबूत अशिया के जोड़े हों। आइए इसके बारे में एक मिसाल देखते हैं। फर्ज कीजिए कि ए और बी कोई से दो गैर खाली सेट्स हैं, तो फिर ए क्रॉस बी के किसी भी तहती सेट एस को ए क्रॉस बी में रब्त या रिलेशन कहते हैं। चूंकि ए क्रॉस बी के तमाम अरकान ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, इसलिए एस के भी तमाम अरकान ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे। मिसाल के तौर पर हम की से सेट ए लेते हैं जो कि इन दो अरकान पर मुश्तमिल है। तो इस सूरत में ए क्रॉस ए में ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 1-1, 1-2, 2-1 और 2-2। अब हम एस कोई सेट लेते हैं उन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स पर मुश्तमिल जबकि एक्स और वाई दोनों ए के अरकान हैं और एक्स वाई से छोटा या बराबर है। इस सूरत में सेट एस में ये 3 अरकान शामिल होंगे 1-1, 1-2 और 2-2। यहाँ आप देखिए कि 2-1 इस सेट एस में शामिल नहीं है क्योंकि 2-1 से छोटा या बराबर नहीं है। अब हम आपको किसी बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज के बारे में बताते हैं। किसी रिलेशन या रब के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले अनासर पर मुश्तमिल सेट को रब की डोमेन और दूसरे अनासर पर मुश्तमिल सेट को रब की रेंज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये सेट टी लें जिसके 3 ऑर्डर्ड पेयर्स 1A, 1B और 2C हैं। यहाँ आप देखें कि इसके पहले अनासर 1 और 2 हैं जबकि दूसरे अनासर A, B और C हैं। इस तरह टी की डोमेन इन दो अरकान पर मुश्तमल होगी और इसका रेंज ये सेट A, B, C होगा। नाज़रीन, रब या रिलेशंस को जानने के बाद अब हम फंक्शंस यानी तफाइल के बारे में बात करेंगे।
फंक्शंस को इसे दो गैर खाली सेट्स के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें पहले सेट का हर रुकन दूसरे सेट के किसी वाहिद रुकन से वाबस्ता होता है। फंक्शंस को समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं। ये एक बैंक का कैश पॉइंट है। यहाँ पर पैसे लेने के लिए एक कार्ड डालना पड़ता है। कार्ड डालने के बाद अब मशीन इस पर फंक्शन कर रही है। आप देख रहे हैं कि मशीन ने एक कार्ड के बदले में सिर्फ एक नोट दिया है। क्योंकि एक कार्ड के बदले एक ही नोट हासिल हुआ, इस तरह से ये फंक्शन हुआ। अब इसमें दोबारा कार्ड डालते हैं। जायद नोट दिए हैं तो ये फंक्शन ना हुआ, इसलिए कि फंक्शन में पहले सेट के हर रुकन को दूसरे सेट के किसी वाहिद रुकन से वाबस्ता होना होता है। देखा, फर्ज कीजिए कि ए इन तीन अल्फाबेट्स ए बी सी का सेट है और बी इन तीन वर्ड्स का जो कि इन अल्फाबेट्स से शुरू होते हैं। अब हम इनमें एक रिलेशन बनाते हैं इस तरह से कि ए वाबस्ता है एप्पल से, बी वाबस्ता है बॉल से और सी कैट से। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेट ए का हर रुकन बी के वाहिद रुकन से वाबस्ता है। इस तरह ये एक फंक्शन हुआ। अगर हम इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं तो हमें ये सेट एफ मिलता है ए एप्पल, बी बॉल और सी कैट का। अब अगर हम सेट ए से सेट बी में ये रिलेशन जी लें इस तरह से कि ए से वाबस्ता दो अल्फाज एप्पल और एयरप्लेन हैं, तो इस सूरत में जी फंक्शन नहीं होगा। यानी फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसके कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले अनासिर बराबर नहीं होते। इसलिए ये जानने के लिए कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, इसकी डोमेन देखी जाती है कि इसका हर एलिमेंट रेंज के किसी वाहिद एलिमेंट से वाबस्ता हो, जबकि रेंज के हर रुकन का डोमेन के किसी रुकन से वाबस्ता होना ज़रूरी नहीं होता। आइए इसके बारे में एक मिसाल देखते हैं। फर्स्ट कीजिए कि हम ए और बी ये दो सेट्स लेते हैं और एफ सेट है इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स 1B और 2B का। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, ए सेट है 1, 2 का और बी सेट है ए बी सी का। एफ रिलेशन है ए से बी पर। इस तरह के 1 और 2 दोनों बी से वाबस्ता हैं, तो इस सूरत में एफ फंक्शन हुआ क्योंकि ए का हर रुकन बी के किसी वाहिद रुकन से वाबस्ता है। यहाँ पर एफ़ की डोमेन इन दो अरकान पर मुश्तमल ये सेट है और एफ़ की रेंज सिर्फ इस एक रुकन पर मुश्तमल ये सेट, जबकि रेंज ऑफ एफ सेट बी का 33 सेट है। फंक्शंस को मज़ीद समझने के लिए हम इसकी एक और मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम ये सेट ए लेते हैं एक्स वाई जेड का, जहाँ एक्स वाई और जेड तीन बच्चे हैं। इसी तरह सेट बी इन दो अरकान ए और बी पर मुश्तमल ये सेट है, जहाँ ए और बी दो आदमी हैं। अब हमें ये दिया गया है कि एक्स का वालिद ए और वाई जेड का वालिद बी है। इस तरह हमें इन तीन ऑर्डर्ड पेयर्स का ये सेट एस मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनमें से किसी भी दो जोड़ों के पहले अरकान बराबर नहीं हैं, इसलिए एफ सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन हुआ। यहाँ एफ़ की डोमेन सेट
एक के बराबर है और रेंज सेट बी के बराबर। अब हम आपको किसी फंक्शन एफ की इमेज यानी छवि के बारे में बताते हैं। अगर एफ कोई फंक्शन है ए से बी में और ए बी एफ का कोई रुकन है, तो इस सूरत में बी को ए की एफ के तहत इमेज यानी छवि कहते हैं। इसे हम यूं लिखते हैं, ए की एफ के तहत इमेज बी है। आइए इसकी हम एक मिसाल देखते हैं। नाज़रीन, फंक्शंस को जानने के बाद अब हम ऑन टू फंक्शंस, वन टू वन फंक्शंस और बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आइए पहले ऑन टू फंक्शंस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट कीजिए कि f किसी सेट A सेट B से सेट B में कोई फंक्शन है, इस तरह के f की रेंज सेट B के बराबर है, तो इस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या मफरी तफाइल कहते हैं। आइए इसके बारे में एक मिसाल देखते हैं। फर्स्ट कीजिए कि f सेट A सेट Z B में ये फंक्शन है, इस तरह कि A B के एलिमेंट x से वाबस्ता है, B भी x से वाबस्ता है और C y से वाबस्ता है। अब इस फंक्शन की रेंज x y है जो कि सेट B के बराबर है, इस तरह ये फंक्शन f ऑन टू फंक्शन हुआ। ऑन टू फंक्शंस को सब्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। इसी तरह अगर f किसी सेट A से सेट B में कोई फंक्शन है, इस तरह के f के कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के दूसरे अनासर बराबर ना हो, तो इस सूरत में f को वन टू वन फंक्शन या एक से एक तफाइल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम a से b पर ये फंक्शन f लें, इस तरह के a वाबस्ता है 1 से, b वाबस्ता है 3 से और c वाबस्ता है 2 से, तो फिर हमें ये मुतरतब जोड़े मिलते हैं। इनका हम सेट बनाते हैं f a 1 का, b 3 और c 2 का। तो चूंकि इस सेट के कोई से भी दो ऑर्डर पेयर्स के दूसरे अनासर बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन f वन टू वन फंक्शन है। वन टू वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। नाज़रीन, वो फंक्शन जो कि वन टू वन भी हो और ऑन टू भी बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। आइए इसकी एक मिसाल देखते हैं। फर्स्ट कीजिए कि a ये सेट है और b इन तीन अरकान पर मुश्तमिल ये सेट। हम फंक्शन f लेते हैं इस तरह कि इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1b, 2a और 3c। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, 1 से वाबस्ता है b, 2 से वाबस्ता है a और 3 से वाबस्ता है c। आप देख सकते हैं कि फंक्शन f वन टू वन भी है और ऑन टू भी, इस तरह ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। नाज़रीन, आज हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और फंक्शंस के बारे में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको इन तसव्वुरात को समझने में मदद मिली होगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।